डॉक्टर? यस, शी इज फाइन। अभी वो सो रही हैं, इंजेक्शन दिया है। इट्स ओके डॉक्टर, मैं यहीं पर हूँ। गायत्री, सुजल, तुम्हें कशिश के एक्सीडेंट के बारे में पता था? सुजल वो हाँ या ना? हाँ। और तुमने मुझे इसके बारे में नहीं बताया? क्योंकि मैंने जरूरी नहीं समझा। मेरी जिंदगी में क्या जरूरी है और क्या नहीं, इसका फैसला मैं खुद करता हूँ। तो फिर मुझे भी किससे क्या कहना है और क्या नहीं, इसका फैसला मैं खुद करती हूँ। इंसानियत के नाते, इंसानियत कशिश के लिए जो तुम्हारी फीलिंग है वो इंसानियत के नाते से कहीं ज्यादा। या तो तुम्हें इस बात का एहसास है या तो तुम जानबूझ के अनजान बनने की कोशिश करो। मैंने जितना कहा बस उतना ही है। वो देखा मैंने आपको। Now that's getting too personal. Now it's getting personal, सोचा। तो होने दो पर्सनल। मेरी शादी होने वाली है, हक बनता है। ये हक अभी तक तुम्हें मिला नहीं। ये हक अभी तक मुझे मिला नहीं, या तुम्हें किसी के हक से छुटकारा नहीं मिला सोचा। ये बात कशिश के एक्सीडेंट की से इतना नहीं। बात कशिश के एक्सीडेंट की नहीं है सोचा, बात उसके लिए जो तुम्हारी फिक्र है उसकी है। एक्सीडेंट के बाद वो हॉस्पिटल नहीं पहुंची, उसकी फिक्र करने वाले लोग वहां पर। एक्सक्यूज मी, मिस्टर सिद्धार्थ जी, वो इस वक्त घर पर नहीं। कोई मैसेज? आप गायत्री आलू वाले। ये कुछ पेपर्स हैं जो हमें कशिश जी की गाड़ी से मिले हैं, और ये है मौका वारदात पर छानबीन की रिपोर्ट। इसके मुताबिक कशिश जी की गाड़ी का एक्सीडेंट ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ। किसी ने जानबूझकर उनकी गाड़ी का ब्रेक फेल किया। अब कैसा महसूस कर रहे हैं कशिश? पहले से बेहतर, लेकिन अब मैं घर जाना चाहती हूँ। हाँ कशिश, हम घर चलेंगे। डॉक्टर ने भी इजाज़त दे दी है, लेकिन आपको रेस्ट लेना होगा। और वैसे भी वार्ड बॉय डिस्चार्ज स्लिप लेने की है। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। कशिश, वो भी तो आपका ही घर है। कार्तिक वो देखिए कशिश, आपको गायत्री की बात पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। उसने जो कुछ भी कहा है अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से कहा है। अब वो ऐसा कुछ नहीं कहेगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है कशिश? और देखिए वैसे भी हम आपको इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकते। मैं अकेली काहू सिद्धार्थ? मेरी बहनें हैं ना, कनन, महक और मौली, मेरा ख्याल रखने के लिए। लेकिन कशिश फिर भी पिछली बार आप घर छोड़ के चले गई तो आपके साथ यह हादसा हुआ। इस बार हम आपको घर छोड़ के जाने नहीं देंगे कशिश। तुम दोनों मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? मेरा अब उस घर में आना उस घर के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। और आपका नहीं आना हमें अच्छा नहीं लगेगा। पिछली बार आपने वादा किया था कि आप वो घर छोड़ के नहीं जाएंगी। उस वक्त मेरी मजबूरी थी कार्तिक, और ये बात तुम दोनों अच्छी तरह से जानते हो। कशिश, घर छोड़ने की मजबूरी हो सकती है, लेकिन घर में रहने की भी तो मजबूरी हो सकती है ना। और फिर मजबूरी ही समझ लीजिए, लेकिन आप प्लीज आलू वाले इस हाउस में ही रहेंगे। ठीक है। और ये है ऑन द स्पॉट एविडेंसेस की रिपोर्ट। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस केस में आप लोग अपना जी जान रखें, कोई कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए। एक बार लापरवाही हो चुकी है, इस बार मैं ये नहीं होने दूंगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है तो इंस्पेक्टर, गलती मेरी ही है, मुझे ही सुजल को कशिश के एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए था। ठीक ही तो कह रहा था सुजल कि कम से कम इंसानियत के नाते मैं उसे बता सकती थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर पता नहीं मुझे क्या हुआ। हेलो, क्या कर रहे हो सुजल? मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं बाद में फोन करती हूँ। नहीं, बोलो क्या बात? दरअसल मुझे कल जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बात करनी थी। बात नहीं कर सकते, ये तो बता सकते हो कि कब मिलोगे? तुम बताओ। आज शाम 8 बजे पाम स्प्रिंग, डिनर के लिए। ठीक है। बाहर गाड़ी से मैडम का सामान लेके। जी। मिस्टर आलूवालिया ने गायत्री और शिवांगी की जिम्मेदारी मुझे सौंपी, लेकिन वो लोग तो मेरे सामने भी नहीं रहना चाहते हैं। नादान है। अगर उन्हें अपने अच्छे बुरे की समझ होती तो बाबूजी आपसे कहते क्यों? कुछ भी हो सिद्धार्थ, लेकिन अच्छा नहीं लगता एक ही छत के नीचे रहकर अलग अलग रहना। और वैसे भी सबको प्रॉब्लम तो मेरी वजह से है ना। कशिश, आज की ये प्रॉब्लम जिंदगी भर के लिए सारे प्रॉब्लम से छुटकारा दिला देगी। इस घर को आपकी जरूरत है, और वैसे भी अगर इस घर पे किसी का हक बनता है तो वो सिर्फ आपका बनता है। आइए प्लीज। क्या हुआ तुझे? मैं समझ गई, कशिश को देख लिया इसलिए ना? नहीं शिवांगी, बल्कि उसे देखकर तो ऐसा एहसास होता है कि शायद मुझे सारी बातें उससे नहीं करनी चाहिए थी। ना वो ये घर छोड़ के जाती, ना ये एक्सीडेंट होता। ऐसा लगता है शिवांगी के मैं कसूरवार हूँ। जो कुछ भी हुआ तकदीर की वजह से हुआ। तू अपने आप को क्यों कोस रही है? अरे क्यों अपने आप को कसूरवार ठहरा रही है, मुझे बता दो। नहीं शिवांगी, जो भी है शिवांगी, कशिश के साथ इतनी रूडली बात नहीं करनी चाहिए थी मुझे। मुझे एक बात बता, तुझे उस वक्त ये पता था कि कशिश का एक्सीडेंट हो जाएगा? अरे तूने उस वक्त जो भी बात कही उस वक्त के लिए बिल्कुल ठीक थी, लेकिन हाँ, जो तू ये एक बात लेकर अपने आप को हर बात के लिए कोसे जा रही है ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हम कहेंगे शायद तू ठीक कह रही है शिवांगी, तू बिल्कुल टेंशन मत ले। ओके, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गई। That's all right. बैठो। वरुण, तुमने मुझे फोन पे कहा था कि कोई जरूरी बात डिस्कस करनी है, इसलिए तुम्हें मिलना है। Actually, वो एक बहुत ही जरूरी बात तुमसे डिस्कस करनी थी। वो क्या हुआ कि मुझे लगता है तुम ठीक कह रही हो। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। थैंक्स शिवांगी। इट्स ऑल राइट। महक कैसी है? दी वो ठीक है। तुमने उसे मेरे एक्सीडेंट के बारे में कुछ बताया तो नहीं ना? क्यों मौली, क्यों बताया तुमने महक को? तुम अच्छी तरह से जानती हो ना कि वो माँ बनने वाली है। वो पहले से इतनी परेशान है, ये सुनकर और परेशान हो जाएगी। नहीं दी, आप फिक्र मत कीजिए, वो ठीक है। फिक्र तो करनी पड़ेगी, अगर उसे नहीं मिला तो क्या? जूस। आउच, क्या हुआ? दर्द होता है हंसने से। तो मत हंसिए ना। क्या बात है कार्तिक, बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। हाँ सिद्धार्थ, खुशी की तो बात है, कशिश जो इस घर में दोबारा से है और वो बहुत कंफर्टेबल भी है। हाँ कार्तिक, फिक्र तो मुझे भी थी कि हम कशिश को ज़बरदस्ती कस्में देकर लेकर तो आए हैं, लेकिन अगर वो यहाँ खुश नहीं रह सके तो उन्हें रोकने का कोई फायदा नहीं होगा। कशिश में एक अजीब सी बात है, जब वो इस घर में रहती हैं तो ऐसे महसूस होता है जैसे किसी चीज़ की फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो सब संभाल। लेकिन फिलहाल हमें उन्हें संभालना होगा जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। राइट। सुजल, कल जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा और जो कुछ भी तुमने मुझसे कहा, भूल जाओ उन सब बातों को। मैं उन सब बातों को भूलना नहीं चाहती सुजल, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ उनके बारे में। वो कहते हैं ना, रिश्तों में जब गांठ लग जाती है तो उसी वक्त उसे खोल देनी चाहिए, वरना बहुत देर हो जाती है। ठीक उसी तरह जब कोई बात बिगड़ गई हो तो उसे सुलझा देनी चाहिए। लेकिन जब कोई बात थी ही नहीं तो? नहीं सुजल, गलती तो मेरी ही थी। नहीं गायत्री, अक्सर ऐसा होता है, जब किसी हालात में इंसान कोई फैसला नहीं ले पाता तो वो क्या करे? तो इसे गलती तो नहीं कह सकते। फैसला तो मेरा ही था ना, तुम्हें नहीं बताने का। तो अब क्या चाहते हो तुम? मैं तुम्हें माफ कर दूं? ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ किसी से माफी नहीं मांग रही, मैं सिर्फ अपने दिल की बात शेयर कर रही हूँ तुमसे कि हम लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम हुई है उसे हम सुलझा दें। ये तो कोई तरीका नहीं होगा बात सुलझाने का। फिर कौन सा तरीका है? ये एक तरीका हो सकता है। अब ये क्या है? खुद खोल के देख लो। तो कोई रिजॉर्ट का पैकेज लग रहा है, फॉर 2 people 2 days and 1 night। यही सही तरीका है। वैसे मैं तुमसे कुछ कहना चाहती, पर आई एम सॉरी। एक शर्त पर। बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? तुम मेरे साथ चल रही हो? ऑफ कोर्स चल रही हूँ मैं तुम्हारे साथ। तुम यहाँ? कुछ सवाल ऐसे थे जिनका जवाब जानने के लिए खुद मुझे यहाँ आना पड़ा। कैसे सवाल? क्या एक इंसान को ये हक भी नहीं है कि वो जान सके कि वो बाप बनने वाला है? इससे पहले उसे उस हक के काबिल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे छुपा के हमारे बच्चे को जन्म देना चाहती थी? छुपा कर नहीं कर, तुम्हारे साये से बचा कर। महक, तुम चाहे जो भी करो, ये बच्चा मेरा है, इसके साथ मेरा नाम ही जुड़ेगा। नहीं वरुण, ये बच्चा तुम्हारे नाम के सहारे के बिना इस दुनिया में आएगा। वरुण, इस बच्चे की खुशी की खबर हमारे अलग होने के बाद आई। इस बच्चे पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। ये तो वक्त ही बताएगा। हाँ, ये तो वक्त ही बताएगा कि ये बच्चा किसके पास रहता है। तो तुम मुझे चैलेंज करोगे? तुम इतना जल्दी ये कैसे भूल सकती हो कि रोशन के मामले में तुमने मुझे यही धमकी दी थी? पर आखिर हुआ क्या? कहाँ है आज रोशन? तुम्हारे पास या मेरे पास? लेकिन तब और अब में फर्क है। उस वक्त मुझे तुमसे अपना बच्चा लेना जो तुम्हारे पास था। इस वक्त मुझे अपना बच्चा नहीं देना जो मेरे पास है। और तुम लाख कोशिशें कर, ये बच्चा तुम्हें नहीं मिलने वाला। ओ, तो बात जगह की। तो ठीक है, जब तक इस बच्चे का जन्म नहीं हो जाता तब तक तुम मेरे साथ रहोगे। और जब ये बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तुम अपने रास्ते जा सकती हो। मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। नहीं। You have to come. No. छोड़ो मुझे। Listen to me. मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सहा है, तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। तुमसे मैंने शादी की, ऋषि और तुम्हारे बच्चे को अपनाया, दिन रात ऋषि के ताने सुने। अगर मैं गैर के लिए इतना सब कुछ सह सकता हूं तो मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। चलो। छोड़ो मुझे। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।